भारत में दिखा है एक अजीब प्रजाति का जानवर जो सीधे चढ़ जाता है दीवार पर। एक ऐसा जानवर जिसका नाम कईयों को पता नहीं। बिहार में दिखा एक अजीब जानवर। दीवार पर चढ़ते उस जानवर को देखिए, क्या ऐसा जानवर आपने कभी देखा है? इस जानवर की हरकत को देख लोग डर गए। शरीर से फुर्तीला और देखने में खूंखार ये जानवर एक हार्डवेयर की दुकान में देर रात घुस गया। ये जानवर दुकान में घुसकर कभी दीवार पर चढ़ जाता था तो कभी लोगों पर झपट्टे मार रहा था, जिसे देख लोग डर गए। ये जानवर रात भर एक हार्डवेयर की दुकान में बंद रहा। अगले दिन सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोला तो एक अजीब प्रजाति के जानवर से उसका आमना सामना हुआ, जिसे देखकर दुकानदार सहित आसपास के लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद इस अजीब प्रजाति के जानवर की सूचना वन विभाग के टीम को दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम हार्डवेयर दुकान में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम के घंटों मशक्कत के बाद इस जानवर को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली और इस अजीब प्रजाति के जानवर को पिंजरे में कैद किया जा सका। पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां एक अजीब प्रजाति के जानवर को देखे जाने पर लोग दहशत में आ गए। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये जानवर अफ्रीकी सीपेड है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जो जंगली बिल्ली के प्रजाति में आता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला ये जानवर भारत कैसे पहुंचा? क्या इस प्रजाति के और जानवर बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं? वन विभाग के अधिकारियों को शक है कि इस प्रजाति के कई और जानवर हो सकते हैं, क्योंकि ये जानवर कभी अकेले नहीं रहते, ये झुंड में रहते हैं। लिहाजा उम्मीद है कि इसी इलाके में और भी इस प्रजाति के जानवर होंगे या नहीं होंगे, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दुर्लभ प्रजाति के जानवर की तस्करी हो रही होगी। और इसी बीच ये जानवर तस्करों के चंगुल से छुटकर मुजफ्फरपुर के हार्डवेयर दुकान में घुस गया होगा। इन तमाम बिंदुओं पर वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।